तुम दोनों को ऐसे नहीं ऐसे मारूंगी। ये कोढ़ी और ये राजकुमारी मंजू। मैं वही कोढ़ी हूँ जिसको तूने पहाड़ के नीचे फेंक दिया था, याद है? नहीं याद? ऐसे नहीं याद आएगा। अभी देख मंजू, क्या चाहते हो तुम लोग? अच्छा, क्या चाहता हूँ मंजू, जरा इसको बताना इसे क्या चाहिए। ऐसा मारूंगी कि लगेगा नहीं, वो भी थूक लगा के आराम से मारूंगी। अंजू जरा इसको कायदे से समझा दो। और अंजू, अंजू, ए अंजू, इधर आओ। अरे उठो तो। अंजू मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं मारती हूँ ना तो नहीं लगता। ए अंजू मैं कुछ कह रहा हूँ। क्या? वो तुम्हारी बहन जहाँ कहाँ है उसको जरा। अरे बाद में, बाद में। देखो सब लोग चले गए थे, मैं अकेले बंधी थी। तुमने कितने एंटर मारे थे? दो। ए छोटू, क्या बोल मामा मामी क्या है? देखो दो दो दूनी चार, चार हो गए। ठीक है। देखो वो बताओ तुम ऐसे थूक लगा के मारू कि ऐसे मारू? फिर ऐसे चाहे मार रही हूँ। हेलो हेलो, ये आगे बुद्धूलाल, बुद्धूलाल ग्राम मगारपुर। ये राजा और रानी के काम पर खुश होकर पांच एक रुपए का इनाम मारी पाली। शुक्रिया। देखो ऐसे मार रही हूँ। देखो छोटू कैसा लगा? कैसा लगा? थूक लगा के नहीं मारी हूँ ऐसे। अब देखो थूक लगा के मार। अब देखो यह वाला निक लागत रहा। हाँ यह निक लागत रहा। फिर देखो अंजू जरा कायदे से थूक लगाना। बहुत अच्छा लगा। मोटू इधर आओ, तुम जरा थूक के लगाओ, इसमें थूक लगा के हाथ में लगाओ। हाँ लगाओ। अब इनके चक्कर, इनके चक्कर। क्या हुआ? डरते हो क्या? अरे जेठा लगाया है, नहीं लगेगा। छोटू मजा आया? जौन जौन बीज मत उठाई मारो, ये कहाँ का मारा ये? और जब तुम लगा है कहा था नहीं, लड़की लड़का में फर्क हो दे। हम सही बताए, जब तुम थूक लगा तो मारते हो ना, हमको बहुत निक लगा था। लेकिन अब बस करो अंजू। अरे दीदी जरा इधर आओ। अरे जीजा जी। हां जीजा जी कहां गए? कौन जीजा? हां हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ये किसका है? ये हाँ ये इसे मटुआ का है। उस दिन भी और आज झूठ बोल रही हूँ। हाँ
हम इसको इनके हवाले कर रहे हैं। जितने कपड़े हैं, एक मिनट अंजू, एक मिनट, पहले हम अपना परिचय तो दे दे। हाँ हाँ सही बात। हाँ हेलो, मैं कौन हूँ पहचाना तुमने? लगता तो है पहचान लिया। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कौन हूँ? जीजा। क्या? जीजा। गलत बात, गलत मत बोलो। मैं आपका जीजा नहीं हूँ। काका, तुम दूर रहो, क्योंकि तुम बड़ी हो, तुम मुझे छू नहीं सकती और मैं तुम्हें नहीं छू सकता। कैसे? नहीं 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 छोटू, चुनरी की बात नहीं, ये हमारी पत्नी की कौन है, बड़ी बहन है, तो हमारी कौन लगी? पागल है क्या? कौन लगी तुम बताओ? डेढ़सस। आहा, मैं डेढ़सस, ये मेरी डेढ़सस लगती है। मंजू, मैं वही कोड़ी हूँ, 2014 कोड़ी मरू नहीं गवा। अब नहीं कहूंगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, अब नहीं कहूंगी? नहीं कहूंगी। वैसे तो मैं तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो, हम आपको नहीं छू सकता। लेकिन छोटू, आप आइए। क्या सही है, क्या गलत है? मंजू जरा माइक छोड़, माइक छोड़कर पीछे हटो, अंजू सामने आओ। अरे पिताजी, मैंने खुद किया है इनसे अब। पिताजी मैंने खुद किया है अब इनसे में, और डाली हथकड़ी हाथ में तुम्हें रखूंगी। मैंने क्या कहा था जेल जाने से पहले कि अंजू, अगर मेरे कहे हुए वचन झूठ निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मंजू, जो तुम्हारी इच्छा हो अपनी बहन के साथ कर सकती हो। छोटुआ, इधर आ, इसके कपड़े उतरने चाहिए, नहीं समझ लेना, ये जो आम का पेड़ है ना, इसी में तुम्हारी फांसी लगाऊंगी मैं। अंजू, समझ लेना। ए अंजू, कौनपुर का कोई बचा नहीं पाए। अंजू, तुम कपड़े उतरवाओगी, वो तुम्हारी बहन है ना, याद करो क्या हाल किया था मेरा। अरे याद तो करता हूँ, लेकिन मुझसे बड़ी है। ठीक है, तुम जो मर्जी आए सो करो। लेकिन हाँ, मैं तो भूल गई थी, जीजा जी कहाँ गए? आओ 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 इधर आओ। क्या बताओ, यही में से कौन जीजा है, पहचानो? ये बहुत पुराने हैं, ये आज हम नए वालों की बात कर रहे हैं। अंजू, हमारे साढ़ू कौन है जरा बुलाओ, हमारे साढ़ू। जाओ, जाओ पहले क्रॉस बेल्ट उतारो इनका। ये मोछा ही रखा थे बकरी के पूछ ही नहीं लगता, लगे कहीं तक जाए तो हम सब लोग चले जाएंगे। ये मेरा साड़ू है, देख अंजू। अंजू, ये तुम्हारा जीजा है ना? अंजू, जीजा का जरा स्वागत करो।
जीजा का स्वागत करो अच्छे से। अरे मार दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, छोड़ छोड़ दी जाए, छोड़ दी जाए। बोल तेरे साथ क्या जुलूम किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन पहले जो बैठे थे ठीक थे। एक काम करो, सबसे पहले हमें थोड़ा गड़बड़ी है। गड़बड़ी यह है कि हमें गांव में बहुत जोन हुए भूत पर्याप्त लागत है। हाँ, यही के सोचत रहन का नाम है कहीं, लेकिन शैतान सिंह, ओ शैतान के बार काट लीन जाए तो शैतान दे के भाग जात है। इधर सुनो, ये क्या हम पहले बाहर काटा। सुनो सुनो सुनो, कपड़े उतार करके और ये त्रिशूल गरम करके इसके चुवा दो और उसके बाद में छोड़ दो। ऐसे गैया बहुत ऐसे है ना पड़ी, अगर मर जाई तो बार काम न आई। हाँ, ओ अगर जिंदा में काट लिया तो बार काम न आई। हाँ तब तो ठीक है, पहले कपड़े उतारो। ला तलवार ला, ये के बार काट। हम एक कटाई ताबी। अबे साले मेरे बाल क्या करेगा भी? अरे ये हिम्मत दो फायदा, एक तो भूत भागी, दूसर अगर कोनो लड़का के चुन्ना काटे, लड़का के चुन्ना काटे अम्मा का पिया दियो, चुन्ना खत्म। आओ का, अरे तो काट रहा ना बे, काट काट भैया काट ली, भले भले भले, यही का हम ले लिया। अब का करी बताओ, वहाँ रख लियो, इसमें जुए तमाम होंगे। अरे धुआं झरिया, जब नहा लिया। हाँ, यही खाली जिंदा जिंदा काट लेने, मर जा तो नहा मिट्टी में जा, मिट्टी हो जाती है। इधर आओ, छोटे ना मिली का छोटू, हमका छोड़ दियो, हमका छोड़ दियो। लवली वाले संध्या से बहुत जड़ा गए हैं, जड़ाए गए हैं, इनकी ठंडी छुड़ा दो। हाँ छुड़ा, हमका सौंप लिया। हाँ हो, यह वाला बढ़िया। ये बताओ, रात भर तो खूब न कोए है, कोई का हमका मोटुआ का पुतिवा का कसम तो खवाए रहे हैं, कहो दिखाई उतार के फिर दाओ। हाँ यार, ये बताओ कपड़ा उतारो, हमारे पास समय नहीं ना, और कपड़ा उतारे का ड्यूटी लाग ही। जैसे तुम रात भर का ए कुर्सी लगाओ, हे ये कर लियो, हे वो कर लियो, तो अब ये सब को साहब और कहा देखे कपड़ा उतारो, नंगे हो जाए तो वही तो काम है। हो Thank you.
एक तो पहने हैं, यानी कि एकदम अंधे हो जाते हो। छोटू, छोटू तुमने कैसी मार मार दी? अब बताइए क्या होता है, भोजपुरी मार आया। अच्छा भोजपुरी। हेलो जीजा जी, अब तुम्हारा नंबर है उस हाथी को। आओ लकड़ सुन हवा सर, ये कंचोदना रात भर तो पीते हम पंचन पर। इधर आओ, ए बच्चा बच्चा तो करो ना, नहीं यही जाओ। चुड़चुड़ा रहा है। हाँ हाँ सही है, तुम्हारे भी उसी तरह से मारू। चलो लाइन पर आओ, लाइन पर ये लो। हे शैतान, शैतान है आज तुम्हें सब शैतान झरी हाथ गया। तुम हमका कौन तरह चिता बताओ। कौन सा चीज है? आंखी दिखाओ तेरी माँ का पाप। अच्छा है कि साले बकरी के पूछ है तेरी साले रात। आज मिले होता हूं, कहो कौन तने प्यार करत रहे हो, कितना मारियो। हाय हाय मेरी गुल्लैया, इधर आ, इधर इधर आ। तई एक मुंह तो देखो जैसे बनवावा इंजन मुंह साले का, रात भर पीती का कहत रहे हो, एक ढकेल दियो साले का। सारे शौकत तो ही ला दे। शैतान सिंह, तुम्हारी पुत्तीलाल थोड़ा आराम कर लो। शैतान सिंह बोलो, तुम्हारी शैतान सिंह उतरी कि नहीं? अभी नहीं उतरी,
अब शैतान है तो शैतान का शैतान आ जाएगा। अरे जैसा कर्म किया है शैतान सिंह, तुमने जैसा कर्म किया है, अरे जैसा कर्म किया है वैसा तुझे किया है वैसा तुझे मिलेगा। जैसा कर्म किया है वैसा तुझे मिलेगा। और मारूं जहां पे तुझको मारू जहां पे तुझको पानी नहीं मिले। हेलो 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 हमें उपन्न है ये आगे जंजीरा जंजीरा सिंह बबुरिया पुरवा निवासी है, उनकी तरफ से 10 रुपया दे रहे हैं। कह रहे हैं भैया हरे अब ना मारो जौन कर्म करिन वो भोग लिहि। अबे तुम कहा गया है ख्यात की बात हुई सोए कहो हलो। अबे काम करो इन दोनों को गोली मार दो। हाँ अरे तुम्हें नहीं तुम ना डरो। मारो खोनपुर निवासी है वे कह रहे हैं एक नंगा करके मारो 10 रुपया। सुन लो यहाँ के निवासियों, नाम हमारा शैतान सिंह है। आज मैं चंबुल में फंसा हूं तो क्या हुआ, लेकिन शैतान शैतान होता है। अरे सारे गांव को ऐसा परेशान करूंगा कोई बाबा कोई ओझा नहीं बचा पाएगा। ये आ गए जंजीरा सिंह, ये जंजीरा सिंह बबुरिया निवासी है, ये 20 रुपया दे रहे, कह रहे हैं ना मारो। ये कहा तो को ओझा ना ठीक पाई जाना तो खाली जाना तो मिर्ची खाली मुहारे में काट दी हो इनके रोब न हो कि ढेरी टांग जाए। शैतान सिंह तुम मरने के तैयार हो जाओ मारोगे और क्या चला गोली। शैतान सिंह जिया है शान से और मरेगा शान से। अच्छा ये तो सोचो कि छोटा साड़ू तुम्हें मार रहा है। अबे मार गोली, शर्मिंदगी होनी चाहिए। अबे मार गोली, ये सर ना कभी किसी के सामने। किसी के सामने झुका है और ना झुकेगा। चला गोली सीना हाजिर है हराम चौधे। राजकुमारी अंजू मैं तुम्हें जीते जी नहीं पा सका तो मरने के बाद किसी और की होने नहीं दूंगा। मैं मरने के बाद किसी और की हूं। करनी वैसा फल आज नहीं तो
नीचे कल पुत्री तुमने मेरा साथ दिया है। हाँ, जाओ, जाओ, हम और मैं अकेले नहीं जाऊंगी। जाते जाते मत अबे मटुआ, अबे शैतान सिंह को मारा। अब होश आवा हो लाइन में लाग रहे तुम। शैतान सिंह को मारा बलवंत ने, और शैतान सिंह ने मारा अंजू को। हाँ। और अंजू ने मार दिया पुत्ती को। पुत्ती चला गया। एक काम कर, बोलो, इसका सर काट ले। एक सर काट ले। अभी जो है मकर संक्रांति लगी हुई है, इसका सर जो है बहुत काम आएगा। एक सर बड़ा काम का है, इसलिए इसका सर काट ले। अब काटने के बाद अपने दरवाजे पर टांग देना। अच्छा, तो फिर क्या हुई? तब मुझसे बताना, तेरे घर में जितने भी भूत पिशाच शैतान हैं, जो शैतान सिंह मर के गया है, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, आप नंबर बोलो। नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, क्या पुत्तीलाल वापस आ गए तुम? अरे बाप रे दैया, इतनी भीड़ काहे के लगी है हो? अरे तुम साले इतने सम्मानित व्यक्ति थे कि जो भीड़ लगी हुई तुम्हारी मिट्टी देने के लिए आई है। अरे राम, इतनी भीड़ लगी हमार माटी दिए आए हैं। क्यों नहीं? अरे राम रे दैया, हे भैया, हम लौटियान हो, हम लौटियान। अरे हुआ गैन ना, सीता महारानी बेली मिलती रहे, एक कई पर्यटन कार्य धरे रहे, कहनिया कहाँ पेलिया पुत्ती लाल बेटा। अरे कहाँ माँ जी, हमका रहे नहीं दीन, एक मरा तो वह मर गा, एक मरा वही का लेगा, तीसरे को हम का लेगा। जैसे हुआ गए जैसे झटाका कहन लौटो, सीता जानकी कहन लौटो, जैसे तुम नंबर बोले वैसे हम धड़ाम से आ गए, नहीं हमार मुंडी काट लेते हो। चलो ठीक, वापस आ गए। हाँ। तब तो तुम इस कन्नौजगढ़ रियासत में राज करोगे। जी जी, चलो पीछे है तो सबकी चुन्नी प्यार पहुंचे, हम लौटियान भैया हो रहे। महाराज यशवंत सिंह, आज के बाद हमारी आपकी अवस्था वृद्ध हो चुकी है। हम सोचते हैं कि हम और आप चले किसी भी आवाज जंगल की तरफ, वहां पर जो है वन आश्रम व्यतीत किया जाए, और आज के बाद उज्जैन और कन्नौज दोनों का राज्य आपके बेटे यशवंत बलवंत के नाम कर रहा हूं, और मेरी बेटी मंजू और आपका बेटा बलवंत दोनों साम्राज्यों की रियासत में राज करेगा। अच्छी बात है, हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। हमारे बेटा बलवंत सिंह, तुम्हारी बेटी मंजू, हमारी महारानी जी दोनों लड़कों हाथ मिला देगी। कन्नौज का राज, दोनों राज एक हो जाएंगे, बाल बच्चे आनंद से रहेंगे। ये ताज हमारे ताज और तख्त बेटा बलवंत सिंह के सिर पर होगा, तुम्हारी बेटी आसाराम से आसाराम। ठीक है, महारानी जी को बुलाकर फर्रुखाबाद का राज, कन्नौज का राज, हमारा बेटा तुम्हारी बेटी दोनों आसाराम। ठीक है, महारानी को बुलाकर दोनों का हाथ मिलवा दीजिए, और हम आप बियावान जंगल की तरफ चल रहे हैं। बेटा बलवान सिंह और बेटी मंजू। हाँ पिताजी। महारानी जी, देखिए अपना बेटा लाल है, बलवान सिंह नागपाल सिंह की बेटी है मंजू, क्यों नहीं दोनों का हाथ मिला दीजिए, क्योंकि बुढ़े हो गए हम और आप भी हो गए, नागपाल भी बुढ़े हो गए, उनके कोई नहीं है, इसलिए दोनों राज के मालिक। ठीक है, ठीक है, चलो। Thank you.
बेटी और बेटी, तो तुम दोनों की जोड़ी सदा कायम रहे जब तक गंगा और जमुना में पानी रहे। मैं भी मांगू दुआ रात दिन उसर से सदा फूलो फलो और जवानी ठीक है। हो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी मुझे जीना।